हम लोग उस समय ये कहते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस खत्म करके इन योजनाओं को आगे बढ़ा के बैंक्स की हालत को सुधार कर हमें अर्थव्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, ये उस समय हम लोग कहा करते थे। तो हम उम्मीद करते थे कि सरकार जब बनेगी हम लोगों की तो इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ आगे बढ़े कुछ, लेकिन जितनी गति के साथ इन योजनाओं पर काम करना चाहिए था उतना नजर नहीं आया। और 40 महीने सरकार में रहने के बाद हम इसके पहले की सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमको पूरा मौका मिला इन सब चीजों को, वित्त मंत्रालय, डिसइन्वेस्टमेंट, फिर कॉरपोरेट अफेयर्स, और जैसे कि ये नाकाफी था तो उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री। अब रक्षा मंत्रालय अपने आप में इतना बड़ा मंत्रालय है, उसकी भी जिम्मेदारी दे दी गई। फिर रक्षा मंत्रालय को जब वापिस लिया तो उनको दे दिया इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की एडिशनल जिम्मेदारी। तो एक आदमी के ऊपर आप इतना बोझ अगर देंगे तो उसके पास कहां समय होगा कि वो वित्त मंत्रालय की जो खास खास समस्याएं हैं उसके उस तरफ ध्यान दे सके। ये पॉइंट मैं बता रहा था।